मुंबई पुलिस आज तनिषा शर्मा की मां वनिता शर्मा, तनिषा के मामा पवन शर्मा और उनके ड्राइवर का बयान दर्ज करेगी। इन्हें आज दोपहर 1 बजे पुलिस ने बुलाया है। इंग्लैंड में रहने वाली तनिषा शर्मा की मौसी को भी पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इस बीच दो बड़े खुलासे हुए। तनिषा पर शिजान की मोहब्बत का इतना असर था कि वो हिजाब तक लगाने लगी थी। एक और खुलासा हुआ कि मौत वाले दिन तनिषा ने किसी लड़की से घंटे भर लंबी चैट की थी जो बाद में डिलीट कर दी गई थी। पुलिस इन सभी खुलासों पर आगे जांच बढ़ा रही है। शिजान के प्यार में बदल गई थी तनिषा। तनिषा लगाने लगी थी हिजाब। तनिषा के परिवार का बड़ा खुलासा। बहुत सी चीजें हैं जो अभी सामने आने दीजिए। हाँ, तनिषा के बिहेवियर में काफी चेंजेस थे। किस प्रकार के चेंज बताएंगे? मैं एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप कह रहे कि दबाव, प्लीज सर पहुंची आप कह रहे दबाव, किस प्रकार का दबाव, किस प्रकार का चेंजेस आप देख रहे थे वो तो बताइए। वो कहा दबाव चेंजेस, किस प्रकार का चेंजेस एक बार बता दीजिए। उसने हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आई डोंट नो। तनिषा के मामा का ये बयान मायने रखता है। तनिषा सुसाइड केस में हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और तनिषा के मामा कह रहे हैं कि शिजान के प्यार में बदल गई थी तनिषा। शिजान से मिलने के बाद तनिषा के स्वभाव में, बिहेवियर में, बर्ताव में कोई फर्क, बदलाव नजर आया आपको? जी, काफी बदलाव थे। तो मैं चाहता हूँ वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। उसने हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन। जिस शिजान के लिए तनिषा बदल रही थी, आरोप है वो शिजान अपने प्यार का आसरा कहीं और ढूंढ रहा था। शिजान की यही बेवफाई तनिषा की जिंदगी पर भारी पड़ गई। उसके और भी लड़कियों के साथ अफेयर है जिस वजह से तनिषा टेंशन में थी और जिस वजह से शायद ये हुआ होगा। तो वो सामने आ रहा है और अगले 2 दिन की रिमांड और मिली है तो वो भी बहुत जल्द, बाकी सच भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ब्लू कैप वाली जैकेट में वसई कोर्ट में पुलिस जब शिजान को पेशी के लिए लाई तो सबकी जुबान पर शिजान से यही सवाल था कि तनिषा ने खुदकुशी क्यों की। शिजान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस भी बिजली की रफ्तार से शिजान को घसीटते हुए वसई कोर्ट परिसर में दाखिल हो गई। मीडिया वाले पहुंच पाते इससे पहले ही कोर्ट के लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिजान को 30 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। जैसा कि पुलिस ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी मांग किया था, लेकिन हमारा भी कंसर्न ऐसा है, एक बच्ची की जान गई है जिसके वजह से कुछ सामने आना चाहिए, तो हमने कंसेंट दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शिजान पर वसई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने बताया कि शिजान ने तनिषा की खुदकुशी से ठीक पहले या बाद में व्हाट्सएप चैट डिलीट किए हैं। इसकी जांच के लिए शिजान की पुलिस रिमांड जरूरी है। पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट जमा की उसमें पुलिस ने ये बताया कि शिजान ने सुसाइड से पहले, टाइमिंग के हिसाब से उस सुसाइड से पहले अपनी चैट्स डिलीट की हैं। तो सेम चीज़ हमने भी बोली थी कि उसके और भी लड़कियों के साथ अफेयर हैं जिस वजह से तनिषा टेंशन में थी और जिस वजह से शायद ये हुआ होगा। तो वो सामने आ रहा है और अगले 2 दिन की रिमांड और मिली है तो वो भी बहुत जल्द, बाकी सच भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। जिस दिन तनिषा ने सुसाइड किया उस दिन शिजान ने उसे एक लड़की से करीब 1 से 1.5 घंटे बात की थी। कौन है वो लड़की फिलहाल इसकी पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। शिजान ने उस मिस्ट्री गर्ल के साथ जो चैट किया था वो डिलीट कर दिया था। सरकारी वकील ने कोर्ट से बताया कि अगर उस चैट में कुछ गलत नहीं था तो वो चैट डिलीट क्यों किया। तनिषा शर्मा ने खुदकुशी करने से पहले शिजान से क्या बात की थी वो पता लगाना है। आरोप लग रहे हैं कि शिजान पुलिस को ठीक से जवाब नहीं दे रहा है और बयान बदल रहा है। टोटली बेबुनियाद है। बार बार बयान बदल रहा है, क्या बयान बदल रहा है, अभी तक ये चीजें नहीं आई सामने। तो इसमें जो 306 उसके ऊपर लगाया गया वो अट्रैक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। और बयान बदलने की बात आप लोग ने बताया है तो आप लोग खुद ही देखिए ना उसमें क्या बयान बदल रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि बयान बदल रहा है, तो एटलीस्ट सामने आए ना कि उसने ये बयान दिया बाद में फिर ये बयान दिया, वो सामने नहीं आ रहा है।
शिजान पुलिस से कह चुका है कि तुनिशा के साथ उम्र के बड़े फासले और अलग अलग मजहब का होने की वजह से उसने ब्रेकअप का फैसला लिया था। इस ब्रेकअप को तुनिशा सह नहीं पाई। मुंबई से देव कोटक और दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।